दिक्कत आ रही है, हमारी माँ कह रही है तुम शिवशंकर के लड़के नहीं हो। हमारा ऐसा क्यों कह रही है? वो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो सोच रहे हैं कि जो भी संपत्ति है इनके लिए निकाल के लंबा किया जाए या इनको मरवा दिया जाए या फिर जो ये भाग जाए यहाँ से, इसलिए जो भी जो ये सब बातें लगा के रख रही होंगी। वो आपकी एक तरफ कह रहा हूँ मेरी माँ है, एक तरफ कह रहा हूँ वो संपत्ति का मामला, ऐसा क्यों है? वो आपकी कैसी माँ? वो हमारी सौतेली माँ है। हमारे माँ खत्म हो जाने के बाद पापा ने हमारी दूसरी शादी की थी, इसलिए वो माँ, हमने माँ के लिए माँ की तरीका समझा, उन्होंने जो हमारे लिए बेटे का तरीका नहीं समझा, उन्होंने जो ये कहा कि जो तुम करके लड़के नहीं हो। आपको कैसे पता लगा कि उन्होंने ये बात कही है आपसे? हमने जो है उन्होंने हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवाई थी, उसमें जो है ये लिखा हुआ था, उसमें जो है ये एफआईआर है, ये एफआईआर में लिखा हुआ है, इसमें जो उन्होंने लिखवाई कि तुम शिवशंकर के लड़के नहीं हो। अच्छा, तो आपको जब मालूम हुआ? जी। तो आपके पास कुछ ऐसा प्रूफ है जो उसमें आप जो है अपने पापा का नाम जी वगैरह इस तरीके से क्या है? हमारे स्कूल की जो कागज की कॉपी है जहाँ हम पढ़े थे, वो कागज की कॉपी ये है, आप इसको भी देख लो। तो इसमें जो है स्कूल की मार्कशीट है ये? जी। अच्छा, ऐसा क्यों कर रही हैं वो आप? वो इसलिए कर रही हैं, कहते हो इनके लिए जो है ये भाग जाएं यहाँ से या फिर जो इनके लिए मरवा देंगे, इसलिए कह रही हैं। अच्छा, ये घर जो है वो घर किसका है? ये घर जो है ये हमारे पापा ने जो उनके लिए खरीद के दिया था, उनके नाम रजिस्ट्री करवाई थी और हमारे पिताजी ने उनके लिए लेके दिया, उसका हमारे पास स्टेटमेंट है। किस चीज़ का ये? ये बैंक से जो है स्टेटमेंट निकलवाया है, जो इन्होंने पापा ने हमारे अकाउंट से पैसे दिए थे। किस चीज़ के? इस प्लाट के जिसपे हम रह रहे हैं। अच्छा, तो ये बैंक से लोन करा था? लोन करवाया था पापा ने। आपके पापा ने भरा? जी। आपके पापा को खत्म हुए भी कितना टाइम हो गया? पापा को खत्म हुए लगभग जो 2.5-3 साल है, 12 फरवरी 2022 को वो खत्म हुए थे। पापा से मरने से पहले कभी इस तरीके का विवाद, कभी इस तरीके का कुछ नहीं? कोई भी विवाद नहीं हुआ था इन से, तो पापा के खत्म हो जाने के बाद जो है विवाद हुआ था। फिर अब क्या आप क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारे लिए इंसान मिले। किस तरीके का इंसाफ? इंसाफ इस तरीके का चाहिए हमारे लिए, जो कि जो ये कह रही है कि शिवशंकर का लड़का नहीं है, ये बेदखल हमारे लिए करना चाह रही है, हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए ये कह रही होंगी कि जो तुम लोग जो है यहाँ से चले जाओ इसलिए, या नहीं तो हम तुम्हें मरवा देंगे। आपने शादी की है? आपने शादी की है? क्या आपका क्या नाम है? हमारा नाम नेहा वर्मा है। क्या आपने शादी इनसे की है? जी हाँ, इन हस्बैंड हमारी नाम शिवनामो से हुई, सम्मेलन से शादी, ये उसका कार्ड है। अच्छा, ये जो सम्मेलन होते हैं? जी हाँ, ये हमारा सम्मेलन का कार्ड है। जब से आप आई हैं यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिला, क्या है? हाँ, हमें जब से आए हैं तब से हमें दुख ही मिले हैं। आए दिन हमसे वो लड़ने आती, आए दिन किसी ना किसी को अन्य आदमी को भेजती हैं हमसे लड़ने के लिए। हमारे हस्बैंड जब दुकान चले जाते हैं तभी भेजती हैं, वो पीछे से ही हैं। क्यों करती हैं ऐसा? वो ये चाहती है कि हम इनको छोड़ के चले जाएं, और हमारे 7.5 महीने थे तो उन्होंने हमारे बच्चे को भी मार दिया, पेट में ही था, मारा तोड़ा भी था हमें। फिर उसकी शिकायत आपने पुलिस से की? जी हाँ, हमने पुलिस से की थी, लेकिन हमारी पुलिस ने सब सुना लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारा पुलिस ने कोई काम नहीं। हम बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, आप ही बताइए हम क्या करें अब। क्या चाहती हैं आप सरकार से, क्या बोलना चाहते हैं? हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमारी जो लड़की खत्म हुई है उसके लिए है। इसकी शिकायत आपने बड़े अधिकारियों से की है? हमने सबसे की है, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। अब बस हमारे पास एक ही तरीका है, या हम मर जाएं या ये हम लोगों में से कोई ना कोई मरेगा, ये वो ये चाहते कि हम दोनों में से कोई मर जाए। अब तो कहीं आपने पंचायत की, प्रधान वगैरह से ऐसे कुछ समझौता करने की, कहीं मांग कही या नहीं कही? हमने जो पंचायत भी रखी थी, पंचायत में प्रधान जी भी थे, प्रधान जी को जो साथ में रखा, प्रधान जी ने भी ये बात रखी तो प्रधान जी की भी उन्होंने बात नहीं रखी, और जो जो बात हमारी हक के सही कह रहा था उनसे कह रहे तुम लोग क्यों आए, क्यों यहाँ से उठ जाओ, उन लोगों ने भगाया। और तो अब आप क्या चाहते हैं, अब वो लोग आते हैं या नहीं आते? वो लोग जो है आते हैं, वो ऐसी मई रास्ता में निकल के जाते हैं, और जाने के बाद में जो धमकियाँ मिलती हैं हमारे लिए होंगी, और रात में तो कभी कभी यहाँ पे ईंटें भी फेंकते हैं, सीढ़ियों पे हैं, रात भर आवाज होती है, रात हम रात भर सो भी नहीं पाते हैं इस वजह से हैं। हम तो रात में जगते ही रहते हैं, यहाँ तो इतना डर बैठ गया उसका कुछ कहने का ही नहीं है। हमें सिर्फ इंसाफ ही नहीं मिला, हमें तो ये लग रहा है वो हमें कहीं किसी दिन आके मार ना दे वो। अब हमें अब आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? हमें सरकार से जो हाथ जोड़ के अब जो भी जो है हमारी जो करे वो न्याय वाली बात को कहें, जिससे हमारे गुहार जो योगी मोदी तक जाए, इंसाफ मिल पाए। इंसाफ मिले बस।